नरसिंहपुर जिले में ठगी का एक मामला सामने आया है जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। नरसिंहपुर में रहने वाले दीपा ठाकुर को एक पत्र मिला जो कि उनका नियुक्ति पत्र था। ये पत्र कृषि विकास कल्याण विभाग द्वारा भेजा गया था। पत्र के बीच में बकायदा इस विभाग में सरकार द्वारा सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति की जानकारी दी थी। दीपा ठाकुर को मिले इस पत्र में लिखा हुआ था कि इस पत्र को मिलते ही आपको 13,600 रूपए खाते में तुरंत जमा करवाने हैं और यदि पैसे ना हो तो इस पत्र को फाड़ कर नष्ट कर दें। इतना ही नहीं, इस पत्र के साथ नौकरी के दौरान आवास, स्वास्थ्य भत्ते और मिलने वाली छुट्टियों समेत सभी सुविधाओं का जिक्र किया गया था। लेकिन जब इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो ये पत्र फर्जी पाया गया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इसके माध्यम से हमको 13,600 रूपए मांगे गए थे और बताया गया था कि इसको जमा करने के बाद आपको 4 तारीख से ट्रेनिंग दी जाएगी। हाँ, इस आशय की शिकायत आई है संबंधित थाने में। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक पत्र आया जिसमें कुछ नियम शर्तों के आधार पर नौकरी देने की बात कही गई है। इसमें कुछ आवेदकों के द्वारा शिकायत की गई है, संबंधित थाने को आवेदन दिया गया है। अब इसमें जो भी इसकी जाँच करा के वैधानिक तथ्य होंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। होशंगाबाद से EMS TV के लिए कमलेश गौर की रिपोर्ट।